ये हमारा पिद्दू इधर छुप के बैठा हुआ। टीपू चीपू चीपू इधर आ जा यार, इधर क्यों छुप के बैठा हुआ है? हैं ओए, इसको मैंने कैच कर लिया, टीपू को कैच कर लिया। टीपू मेरा जो है ना छुप के बैठा हुआ था। असल में ना आज बच्चों बच्चों का रश बहुत पड़ा हुआ है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना डर रहा था तो छुप के बैठा हुआ है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आपका भाई नए ब्लॉग के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम मेरे साथ ये क्या है, स्टूना यार ऐसी बात है ना किया कर, हम शरीफ लोग हैं। तो अभी फिर किधर जा रहे हैं हम, भला बता दें? नहीं बाद में बताएंगे। चलो अभी जाते हैं ना, फिर बताते हैं कैसा आता है, जाएंगे वो बताएंगे। ओके हो गया, ओके हो गया। तो अभी चलते हैं हम एक चीज़ लेने जा रहे हैं, बड़ी मज़े की चीज़ है। तो अभी आपके पहुँच के जब इधर पहुँच जाएंगे ना, फिर आपको बताएंगे क्या सरप्राइज है। छोटा सा सरप्राइज है लेकिन बड़े मज़े का जी। फाइनली हमारे चूज़े कामयाबी से आ गए हैं बाइक के ऊपर। अब इसको हम छत के ऊपर लेके जाते हैं, देखते हैं किस तरह जाते हैं ये। चल 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 ऊपर लेके चल आराम से। नहीं नहीं ये रहने दे यार, ये बुरे लगते हैं, ये उठा दे, इसके ऊपर रख देते हैं ना, या इसके ऊपर कोई चीज़ रख देंगे ना, फिर उसके बाद फिर उसके बाद कोई रख देंगे। यार ये बुरा लग रहा है ना, मेरे ख्याल में तो बुरा लग रहा है। ये ठीक है, अगर ये टाइल बीच में आ गई ना। अच्छा चलो फिर इसके ऊपर रख दे। अच्छा यार अब हम इनका पिंजरा जो है ना ये चूजों का, इसके ऊपर रखने लगे हैं। ठीक है कौन सा नहीं, पहले फाख्ता का इस तरफ रखना, इधर फाख्ता का हम दो मिनट अंदर रख देते हैं ये लो। और अब ये वाला जो उठा के ना, ये अब जो उठाना ज़रा साथ इसके नहीं कुछ होता है। चले आप ऊपर रखें, ये जी एंजल और मैक्स के घर के ऊपर इनका घर बना दिया है। अब इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, जब सेटिंग होगी ना फिर मज़े का लगेगा माहौल। बाकी अभी गर्मी आनी है ना, तो उसके लिए भी इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ पे शेड लगाएंगे सारी, और इसको भी सेटअप करना है अभी। और ये पर्दा मैं सोच रहा हूँ हटा दूँ, क्योंकि ये भी बुरा लग रहा है। जो जो चीज़ बुरी लग रही है उसको सबको हटा देना। और ये देखें इनका खाना चल रहा है, साथ रैबिट भी बाहर आया हुआ है। और ये सीप अंडा पड़ा हुआ है, उठा ले जा, वो तोड़ देना उसने। ये जो भी अंडा बाहर पड़ा हो ना उसको तोड़ देते हैं, ताकि उठा ना ले कोई, तो बेहतर है कि उसको टाइम से उठा लिया जाए। अभी अब्बू का मुर्गा पड़ा हुआ वाला, ये इधर अंडे निकाल रहे हैं अब यहाँ से, निकालें निकालें अपने औजार के थ्रू, फिर ना आ जाए मुर्गा कहीं जल्दी करें। ये निकल रहे हैं अंडे जी, चलो ये इधर पकड़ा दें, चलो ठीक है। और नहीं है कोई, मुर्गों की पट्टियां खुल गई हैं किलो की। अभी देखते हैं कि मुझे पड़ता कि नहीं पड़ता। वो फुल मुंह भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि मेरे सर में जिसने कील मारा था वो मैं अभी तक उसकी दर्द नहीं भूला। बेहतर है कि मैं दूर दूर ही रहूं। अच्छा पट्टियों का क्या करना है, पट्टियां खोल दी हैं पैरों, पट्टियां इनकी खोल देंगे। अब आगे गर्मी है ना, तो इनको गर्मी ना लगे। फिलहाल वो वाले पट्टे दोबारा निकाल दिए हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर रख दिया है। अब ये गंदा हुआ है, ज़रा इसको पेंट शेंट करके ना ज़रा फिट करके साफ़ करना है, इसके अंदर से भी सफाई करनी है। यार तू सफाई नहीं करता था इसकी? करता था यार, मैंने तो मारा छिटकी से। करता हो तो यार, इस तरह की हालत हो, इस तरह जानवर बीमार हो जाते हैं। जानवरों की बहुत केयर करनी पड़ती है मेरे दोस्त। ये देख, ये मैंने भी नहीं सफाई की, अभी इसकी मैं भी सफाई करूँगा। तो यार इसकी कल की थी मैंने सफाई, हसीब को मैंने लगाया, मुझे कहता नहीं मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फ़ौरन भाग गया, खरगोशों वाला एरिया साफ, बस उतना किया था ना, वो थोड़ा सा किया था। तो ये अभी दोबारा करना है, ये अब झाड़ू लेके आएगा ना तो मैं इधर से खुद साफ करूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी इनको फाख्ता को ऊपर रख, इनको इसके ऊपर रख देते हैं फाख्ता को। अब मंजिलें बन जाएंगी फिर, मंजिलें ये देखो इनको, अब इनको इस जगह पर रख देते हैं। अब ये ऐसे बन गया ट्रिपल मंजिल। उड़ रही है, बड़ी तेज है। इनको ना इसके अंदर डाल दिया, सीधे साथ पकड़ जरा अपने हाथ से, आराम से पकड़ना।
ये देखें नेस्टिंग मटेरियल सारा इसके अंदर ही डाल देते हैं। एक गोल थोड़ा सा ना बनाए वो एक साइड से, वो बाद में थोड़ी सेट कर लेते हैं। आजादी नेट से दोबारा पिंजरे में आजादी होगी। अब मैंने इनको खोल दिया और ये जो इनका दाना था ना इसके अंदर काफी ज्यादा दाना ही देख सकते हैं, ये भी फेंकना नहीं है। ये मुर्गियों को नहीं, मुर्गियां गंदे हैं करके ना ऊपर जो परिंदे हैं ना हाँ उनको खिला डाल देते हैं ठीक है। साथ पानी और साथ ये जो दाना है ये वाला साफ करके ना इन परिंदों को डाल देते हैं दीवार में रख दें बर्तन पे। और अभी फास्टा को ना दोबारा नया दाना डाल देते हैं। वो जितना भी दाना था ना वो सारा मैंने डाल के ना इसके अंदर रख दिया ठीक है। और इसी पानी लेके आ, पानी जो है ना पानी की वो जगह बना दे, पानी ऊपर ना रख दे, पानी इसके ऊपर रख दे, पानी इधर रख दे ताकि दूसरे परिंदे जो है ना वो भी खा लें। अच्छा यार अब मगरिब की जाने हो गई हैं और ये सारी मैंने सफाई इधर से कर दी है और ये भी फ्रेम बना दिया दोबारा से ठीक है, क्योंकि इसका दरवाज़ा उतार के उधर लगा दिया था ना कबूतरों के दरवाजे पर, तो इसका लेंटर भी गिरा दिया था इस जगह से, लेंटर गिरा दिया था। और सारी रेत जो उठा के ना अभी सेव कर ली है, किसी और जगह पे काम आएगी। उसके अलावा ये रैबिट्स मेरे निकले हुए और ये और बेला, इनका भी दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, दरवाज़ा तो नहीं है सॉरी ढक्कन नहीं है, ये भी बंद कर देता हूँ सही तरह ज़ोर लगा के ताकि वेंटिलेशन भी होती रहे और बिल्ली से भी बचे रहें। वेंटिलेशन का सुराख रखा हुआ बस इनका। और बाकी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, इनको भी खाना शाना डला हुआ था, इन्होंने खाना खा लिया, पानी भी पी लिया और ये जो डब्स हैं इनकी भी सफाई कर दी थी और सारा सेटअप हो गया था। ये मेरे एंजल और मैक्स यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो बाकी यार आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपने इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।